आप सभी को आज तुलसी पूजन दिवस की, तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज के दिन हम सबको तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए और अपने बच्चों से भी तुलसी जी का पूजन कराना चाहिए और तुलसी जी के फायदे गिनाना चाहिए कि तुलसी खाने के, तुलसी का रस लेने का क्या फ़ायदा है और भगवान जी के ऊपर तुलसी क्यों चढ़ती है। आज हमें अपने बच्चों को इस बारे में जानकारी देनी चाहिए और इस जानकारी देने के नाम को, आज तुलसी के फायदे गिनाने के नाम को और तुलसी पूजन करने के नाम को आज तुलसी दिवस कहते हैं। आज 25 दिसंबर मीन्स माँ भगवती तुलसी का हम सभी बड़ी श्रद्धा से पूजन करें और सनातन धर्म में लाखों वर्ष से उपयोग हो रही इस तुलसी का क्या विशेष महत्व है। ये पत्ता क्या सामान्य आम पत्ते की तरह है? नहीं। तुलसी भगवान पर क्यों चढ़ती हैं? बिना तुलसी के भगवान प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण करते? तमाम प्रश्नों का उत्तर आज आपको अपने बच्चों को देना चाहिए। कुछ उत्तर यदास अनिरुद्ध आपको देगा, आप अपने बच्चों को समझाइएगा। आपको पता है, सबसे पहले तो मैं साइंटिफिक बात कर लूं आपसे, जो व्यक्ति नित्य तुलसी का सेवन करता है, दो पत्ते चार पत्ते नित्य लेता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। इस धरती पर कैंसर की एक लौती दवाई है तुलसी। आपको पता होना चाहिए कि तुलसी पर रिसर्च चल रही है, बड़ी बड़ी चल रही हैं, जहां कैंसर की दवाई भी तुलसी के द्वारा बनाई जा रही है। गौमूत्र और हल्दी कैंसर का तो परफेक्ट इलाज है ही, पर तुलसी भी पूर्ण रूप से कैंसर को समाप्त करने में कारगर है। इसलिए हम सभी को कैंसर हो जाए उसके बाद हम तुलसी खाएं, ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रसाद में तुलसी डालने का कहा कि तुम यूं ना खाओगे तो प्रसाद के बहाने ही तुम्हारे मुख में कुछ तो तुलसी का अंश जाएगा। कितने साइंटिफिक थे हमारे पूर्वज। इसलिए भगवान जी का भोग लगेगा तुलसी डालकर, ताकि तुलसी का एक एक पत्ते का चौथाई हिस्सा भी यदि आपके अंदर गया तो वो कितना बड़ा असर करेगा शरीर में, कितना हमें सिक्योर रखेगा बीमारियों से, ये तुलसी की बात है। इसलिए रोज आप तुलसी दो चार पत्ते खाकर और पानी पी लिया करें। शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी जरूर चढ़ती है, लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी तुलसी चढ़ती है। अच्छा, आप लोग तुलसी चढ़ाते हैं ना तो तुलसी गिर जाती है। तुलसी चढ़ाने का एक बेस्ट तरीका है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो गिरेगी नहीं। भगवान पर तुलसी कैसे चढ़ाएं? चंदन होता है, चंदन होता है मल्यागिर चंदन, अपन घिसते हैं, या आप नहीं घिसते तो अष्टगंध ले आते हैं, तो अष्टगंध को एक कटोरी में आप गाढ़ा सा घोल लीजिए। अब भगवान जी को तो चंदन आप लगाते होंगे, तो उस चंदन में तुलसी, तुलसी में चंदन से आप लिख लो, राम लिख लो, कृष्ण लिख लो, तुलसी में चंदन से राम या कृष्ण लिख लो तो राम भी लिख जाएगा और फिर वह चंदन लगी तुलसी जब ठाकुर जी को चढ़ाएंगे तो वह चिपक जाएगी। फिर वो सूख जाने पर चंदन जब तक आप छुड़ाएंगे नहीं निकलेगा नहीं। तो तुलसी यूं तो आप भगवान पर चढ़ाएंगे तो गिर जाएगी, है ना। इसलिए सबसे जैसे लड्डू गोपाल जी को तुलसी कहाँ चढ़ानी चाहिए बताइए? लड्डू गोपाल जी के, आप सबके घर में लड्डू गोपाल जी होते हैं, बताइए किस अंग में लड्डू गोपाल जी के तुलसी चढ़ाना चाहिए? आप कहाँ चढ़ाते हैं? हाँ, पांव में। जो लड्डू गोपाल जी की आपने देखी होगी ऊपर शिखा होती है चोटी, यहाँ ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ये तुलसी हमेशा भगवान के ऊपर चढ़ती है ना?
चार पहर 24 घड़ी ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी। ठाकुर मीन्स भगवान श्री कृष्ण, ठकुरानी मीन्स तुलसी। बिना तुलसी चढ़े भगवान ना खाते हैं ना पीते। 24 घंटे चढ़ी रहे तुलसी, तो आप जो भगवान के यहाँ ऊपर होता है ना, ऐसे इनकी टोपी होती है ऊपर, छोटी शिखा कह लीजिए आप, बालों का मैया क्या करती थी ना, भगवान के बाल सब ऊपर की तरफ लेके और बालों का जूड़ा बना देती थी। तो शालिग्राम भगवान जी में जो ऊपर की तरफ देखते हैं ना सिर में, वह एक्चुअली भगवान के बालों का जूड़ा होता है। वह भगवान के बालों का क्या है? जूड़ा। तो उस पर ये तुलसी लेना है और तुलसी पर चंदन लगाकर, चंदन पे आप राम लिख लो, श्री कृष्ण लिख लो, है ना, प्यार से, और फिर लिख कर चंदन से और ये ठाकुर जी के ऊपर चढ़ा दो, तो उसमें चिपक जाएंगे। फिर उसके बाद अब जब बाल इत्यादि आप श्रृंगार करती हैं मुकुट का, फिर वो मुकुट से बालों से वो गिरेंगी नहीं, यदि ठीक ठीक चिपक गई तो। फिर वो कल तक, जब तक आप दूसरे दिन स्नान नहीं कराएंगे, आप छुड़ाएंगे नहीं, तब तक नहीं छूटे। तो शालिग्राम भगवान जी पर ऐसे अब सिर पे ऐसे चढ़ाएंगे ना तो गिर जाएंगे। अब जैसे लड्डू ठाकुर जी लेते हैं तो लड्डू पर तुलसी रख देते हैं। ये जो भगवान के हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू लिए हैं, तो ये लड्डू काहे का है बताइए? भगवान जी को लड्डू गोपाल जी क्यों कहते हैं? आपके घर में गोपाल जी है ना, उन्हें हम लोग लड्डू गोपाल जी कहते हैं। बताइए लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान माखन खाते थे, और ये जो भगवान के हाथ में लड्डू होता है ना, एक्चुअली ये लड्डू मोतीचूर का लड्डू नहीं है, यह माखन का लड्डू, यह माखन का गोला है। अब आप उसे लड्डू कहें, अनेक भाषाओं में कुछ भी कहें, वो माखन का गोला होता है। भगवान माखन का गोला, ये उस समय, ये जो भगवान का चित्र है, ये जो भगवान की छवि है, ये किस समय की छवि है आप बताओ? ये जो गोपाल जी आप सबके घर में जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, यह गोपाल जी ये ऐसे क्यों है? इनका एक पांव ऊपर है, एक पांव नीचे है, ये कब की छवि है? ये कब की, ये फोटो भगवान की कब खींची होगी? ये उन दिनों की बात है जब भगवान अपने घर में चोरी करना सीख रहे थे। माखन का गोला मैया ने बना बना के रखा था, भगवान घुटनों के बल चलते थे, तो भगवान एक माखन का गोला लिए और भाग रहे थे जल्दी जल्दी, मैया ना देख ले, मैया ना देख ले। तो भगवान घुटनों के बल भाग रहे हैं, तो वो भगवान के चलने की वो छवि फिर मैया के सामने खड़ी हो गई, तो श्याम सुंदर ने मुस्कुरा दिया। अब सामने मैया खड़ी है और श्याम सुंदर के एक हाथ में मक्खन का गोला है और नीचे एक चरण है, एक ऊपर, और ठाकुर जी मैया को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, बस वही छवि है। श्याम सुंदर भगवान को देख रहे हैं, तो इनके ऊपर तुलसी ऐसे चढ़ती है। तुलसी के अनेक फायदे हैं, कहते हैं घर में तुलसी के होने से घर में जो वास्तु दोष होता है, उस दोष से भी तुलसी से हमें मुक्ति मिल जाती है। मतलब दोष तो है पर उसके प्रभाव, दुष्प्रभाव कम पड़ते हैं तुलसी के होने मात्र से। अच्छा आप एक चीज और जान लीजिए, तुलसी एक ऐसा पौधा है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, जैसे पीपल, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऐसे तुलसी है 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। जहाँ तुलसी की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त होगा, इसलिए घर में तुलसी ज़रूर लगाएं और ज़्यादा मात्रा में लगाएं। कुछ लोग एक ही लगाते हैं, नहीं एक नहीं, दो चार छः दस बीस, पूरे घर में तुलसी लगाओ, अच्छी चीज़ है ना, बुरा तो है नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं उसके, इसलिए तुलसी ज़्यादा से ज़्यादा लगे और तुलसी की सेवा हो, है ना।